अब देखिए ये इतनी शीट्स इंसर्ट हो चुकी हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट तो अभी 2016 की बात करें तो आपको एक ही दिखता है, 2007 में बाय डिफॉल्ट तीन सीटें दिखती हैं आपको। यहाँ पर बहुत सारी सीट्स मैंने शॉर्टकट की का प्रयोग करके इंसर्ट करा ली हैं, ठीक है। और वो शॉर्टकट की क्या थी, देखिए सीट को जो इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी वो थी अल्ट एच आई एस, तो अल्ट एच आई एस को यूज करके इंसर्ट करा ली है, ठीक है। इसके अलावा आप शिफ्ट और एफ इलेवन का प्रयोग करके भी शॉर्टकट की इसका भी प्रयोग करके जो है आप शीट को इंसर्ट करा सकते हैं। तो अगर आप शिफ्ट और F11 प्रेस करते हैं आप देखेंगे एक और शीट यहां पे आ गई है, ठीक है। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इनको हटाना है तो हटाने के लिए आपको क्या करना है, Alt के साथ EL प्रेस करना है। तो आप प्रेस कीजिए Alt, फिर प्रेस कीजिए E, फिर प्रेस कीजिए L। तो जैसे ही Alt EL प्रेस कीजिएगा तो उसी क्रम में हटता चला जाएगा, Alt EL हट गया एक थे और, फिर Alt EL एक थे और हट गया, देखिए फिर प्रेस कीजिए Alt EL तो एक थे और हट जाएगा। अब एक थे और हटा देते हैं, Alt EL खाली एक तो सूरज वाला रह जाएगा। तो देखिए एक ही सीट बची हुई है। तो इस तरीके से आप शीट्स को हटा भी सकते हैं। आई होप कि बात आपके समझ में आ गई होगी Alt EL को कैसे आप यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।